सरकार विरोधी, युवा विरोधी सरकार अपने आप को साबित कर रही है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एक नियमावली है और वो नियमावली 22 जनवरी 2021 का है। 22 जनवरी 2021 का है। प्रतिनिधिमंडल ने उनके सामने उठाया, महामहिम ने उनको अपने पास बुलाने का काम किया, तो उसका जवाब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन साहब ने उल्लेख किया है कि ये नियम अनावश्यक है, अनावश्यक बताया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बनाए हुए नियम को झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने अपने जवाब में अनावश्यक बताया। इसका मतलब दाल में काला है, काला ही नहीं, काला ही काला है, पूरी दाल काली है। एक कक्ष में बैठ करके बच्चे लगातार सीरियल वाइज पास कर रहे हैं तो संदेह होना स्वाभाविक है। अब क्या है, उसको कहा है कि ये अपरिहार्य कारणों से हो गया है। उनका जवाब है, हमारा जवाब नहीं है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन कहते हैं अपरिहार्य कारणों से हो गया। भाई नियम में किस पर अधिनियम में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किसी छात्रों को आप प्रोविजनल पास करने का अधिकार आपके पास या झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में स्पष्ट कीजिए प्रोविजनल पास। अरे ये कौन सी बातें हैं, इसलिए प्रोविजनल नहीं चलेगा, ये अविलंब परीक्षा पर सारे एग्जामिनेशन जो पीटी के उसको रद्द किया जाए और इसकी जांच सरकार के पास, सरकार अपने चेहरे को में जो काली लगी है उनके चेहरे पर, उनके दामन में जो दाग आया है, अगर उनमें दम है, उनमें नैतिकता है, तो उसकी जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज या सीबीआई से करवा ले। अगर सरकार ने 2020 में वैट में पेट्रोल पर 4.64 रुपए बढ़ाने का काम, 4.64 रुपए और डीजल पर 7.09 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का काम किया 2020 में, और पूरे देश में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की गठबंधन की सरकार है, अब तो मैं कहूंगा कांग्रेस के भी दो जाने, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी काम कर दिए। अब यहां पर वित्त मंत्री कांग्रेस के है, मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चे थे, जनता उनसे सवाल, और देखिए उसका नुकसान क्या क्या होंगे, बाहर से मंगवाया जा रहा है दूसरे राज्यों से, वही झारखंड में जो दूसरे राज्य के वाहन है इस राज्य से गुजरते हैं पहले ही दूसरे राज्यों में तेल भरा लेती है क्योंकि राज्य में महंगा थे, तो एक तो बाहर से दूसरे राज्यों से लोग ले आते हैं, दूसरा जो इन राज्यों में प्रवेश करने वाले वाहन है वो अपना पहले से ही तेल फुल करवा लेते हैं कि वहां झारखंड में तेल मत भराइए, तेल बन जाए। अब करीब 1,00,000 लीटर प्रत्येक दिन दूसरे राज्य से पेट्रोल डीजल झारखंड में लोग ले रहे हैं, इसका सीधा नुकसान पेट्रोल के पंप चालक को तो है, राज्य के राजस्व को भी हो रहा है। अनुमान के तौर पर जो हम लोग एप्रोक्स कह सकते हैं कि प्रत्येक माह लगभग 55 करोड़ रुपए राज्य के राजस्व को नुकसान हो रहा है।